क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप लोग अपने स्कूल में होते हैं, कोचिंग में होते हैं, घर पर होते हैं, पड़ोस में होते हैं, मार्केट में होते हैं या फिर पब्लिक प्लेस में होते हैं, तो वहाँ पर चीज़ों को देख करके या फिर लोगों को देख करके आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो कमेंट सेक्शन में ये सही हमें आंसर ज़रूर दीजिए। और यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में कहाँ से आते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड पर क्या असर डालते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स को विचारों को अपने मन में आने से कैसे रोक सकते हैं, ऐसे कुछ और प्रश्नों के जवाब आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देने रहा हूं, तो इसलिए वीडियो पर बने रहना एंड वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के बारे में कि गलत सोचने से, गलत विचारों से और गलत कामों करने से हमें क्या नुकसान होता है। दोस्तों नुकसान तो काफी सारे होते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको तीन मेन नुकसान बताऊंगा जिसके अंदर आपके लगभग सभी छोटे बड़े नुकसान कवर हो जाते हैं। तो वो तीन नुकसान ये है। नंबर एक, जब आप लोग अपने दिन के ज्यादातर समय नेगेटिव चीजों को देखते हैं, नेगेटिव सुनते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, तो ऐसे में आपको जो नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, लोगों को देखने का, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी आप मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, घर पर होते हैं, पड़ोस में होते हैं, तो वहाँ पर चीज़ों को देख करके, लोगों को देख करके आपका जो नज़रिया होता है, आपकी जो थिंकिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। नंबर दो, जब आप लोग दिन के ज़्यादातर समय नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव काम करते हैं, तो आपको शारीरिक रूप से तो नुकसान होता ही है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी नुकसान होता है। आपका तनाव बढ़ता है, आपकी चिंता बढ़ती है, आपका डर बढ़ता है, आपको हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं आपके बारे में लोगों को पता न चल जाए कि आप लोग किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह की विचारधारा रखते हैं, और इसी डर की वजह से आपका आत्मविश्वास कम होता है, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। नंबर तीन, जब आप लोग दिन के ज़्यादातर समय नेगेटिव माहौल में रहते हैं या फिर नेगेटिव सोचते हैं, तो आप लोग अपने आप को ही अपनी नज़रों में बहुत गिरा हुआ व्यक्ति समझने लगते हैं। आपको अपने डिसीजन पर शक होने लगता है, आपको अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है, जिसकी वजह से आप लोग अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, और जिस वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खत्म होती है और आप लोग अपना हर एक काम में 100% नहीं दे पाते। अब बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में क्यों और कहां से आते हैं, क्योंकि थॉट्स ही वो पहली जड़ है जहां से हमारे मन में नेगेटिव सोचने और नेगेटिव काम करने की इच्छा पैदा होती है। अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं, अगर हम अपने विचारों को जान लेते हैं कि ये कहां से आते हैं, तो हम इन्हें कंट्रोल भी कर पाएंगे और अपने गलत सोचने को और गलत कामों करने पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि विचार कहां से और क्यों आते हैं। जब आप लोग अपने दिन का ज्यादातर समय कुछ ऐसे लोगों के बीच में बिताने लगते हैं जो कि ज्यादातर समय नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं या फिर नेगेटिव देखते हैं, या फिर आप लोग कुछ नेगेटिव माहौल में रहने लगते हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस माहौल का असर, उन लोगों का असर आपके ऊपर पड़ने लगता है, और आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से या फिर उन लोगों की मदद से या फिर उन लोगों के साथ रहने से आप भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचने लगते हैं, नेगेटिव देखने लगते हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर ये जो पागलपन है, आपके अंदर ये जो गलत काम करने की इच्छा होती है, वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अब बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन के बारे में कि हम अपने मन में गलत विचार आने और गलत सोचना बंद कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपने मन में गलत विचार आने और गलत सोचना आप लोग 100% बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका शरीर कुछ इस तरह से बना है, आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से आपके मन में सेक्सुअल टाइप के थॉट्स आते हैं। अब तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि आप लोग अपने मन में 100% सेक्सुअल टाइप के थॉट्स या फिर नेगेटिव थॉट्स आना बंद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप एक काम कर सकते हो कि आप लोग अपने दिन के 2400 घंटे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप लोग अपने उन थॉट्स को, उन विचारों को, उस थिंकिंग को कम कर सकते हो। अब उन विचारों को, थिंकिंग को हम कम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, जब भी आपके मन में सेक्सुअल टाइप के थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं किसी व्यक्ति को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो सबसे पहले आप लोग उन्हें इग्नोर करें, आप लोग उनके बारे में बिल्कुल भी थिंकिंग ना करें, आप बिल्कुल भी सोचे ना। नंबर दो, आपको अपनी लाइफ में गोल सेट करना है कि आपको फ्यूचर में किस व्यक्ति की तरह बनना है, क्या बनना है, ताकि आप लोग अपने लाइफ में अपने फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग काम कर सको, और जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप लोग फालतू चीजों के बारे में सोचने से अच्छा है कि आप लोग अपने फ्यूचर गोल के अकॉर्डिंग काम कर सको। नंबर तीन, आपको गलत लोगों में रहना, गलत सोचना, गलत देखना बंद करना पड़ेगा ताकि आपके मन में गलत विचारों की सप्लाई होना बंद हो जाए, और जब सप्लाई होना बंद हो जाएगी तो आपके मन में जो विचार है वो सीमित रह जाएंगे, और जब विचार सीमित रह जाएंगे तो आप को आसानी से खत्म कर सकते हो, अपने मन से हटा सकते हो। और जब भी आपको एक फ्री टाइम मिलता है तो आप लोग अपने गलत विचारों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें और ना ही गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो। आपको जब भी कोई फ्री टाइम मिलता है तो आप लोग अपने गोल के अकॉर्डिंग काम करें या फिर कुछ नया सीखें, कुछ नया एक्सप्लोर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।